रही हैं क्यों, ऐसा क्या हो गया? जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, तो ये हार वाला है शायद। हाँ। मुझे लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, मतलब दोनों परिवारों के लिए जितनी लड़ाई हो रही है कि ऐसे लग रहा है साझेदार होने के बाद भी, इतनी कोशिशें करने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ कर दो। सो यू क्राइंग सो मच, बट हाउ डू यू फील? यू नो, आपको लग रहा है कि सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं या प्रॉब्लम्स अभी जस्ट शुरू हुई हैं? मतलब अभी भी जो ये सीन जो हमने भी शूट किया उसके उसमें होप है कि शायद मैं, मतलब बाबा साहब ने मेरा इतना ध्यान रखा है, बाबा साहब मेरे इतने क्लोज हो चुके हैं कि अगर शायद ये जो कुछ भी हो रहा है मैं उनसे बात करूँ, या जो कुछ भी बैक स्टोरी रही है माला जी जी का हमें पता था, वो सब कुछ अगर मैं उनको जाके बताऊँ तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि मेरा लास्ट होप वही है कि मैं जाके बाबा साहब से बात करती हूँ। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही है, तो धीरे से उस पल की है जो भी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगे। एंड ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो भी है वो आर्यन साची के बीच नहीं है, इन दोनों में सब कुछ क्लियर हो चुका है और एक दूसरे पे बहुत भरोसा है, हर डिसीजन में ये लोग साथ हैं। और ये दो फैमिलीज के बीच जो प्रॉब्लम है, अब इमेजिन जिन दो परिवारों ने इन लड़का लड़की को मिलाया था, आज वो दोनों तो मिल चुके हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर वो दोनों फैमिलीज अब एक दूसरे से, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। तो आई थिंक दोनों साझेदार हैं, दोनों हाँ दोनों साझेदार हैं, तो हम पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करें। तो ये जो है सिचुएशन आ गई है, दोनों रो रहे हैं, बट डोंट यू थिंक समवे कहीं और थोड़ा क्लोज आ गए हैं एक दूसरे से? हाँ, इतने क्लोज तो आ चुके हैं, क्योंकि जब कोई दो इंसान अपनी वल्नरेबल साइड भी एक दूसरे को शो कर देता है, जिसको बोलते हैं आप इमोशनली भी सब कुछ शेयर कर देते हो, अपनी वल्नरेबल साइड जो शायद आप खुद के बजाय किसी से शेयर नहीं करते हो, वो भी अगर आप एक दूसरे से शेयर कर लो तो उससे ज़्यादा कोई क्लोजनेस नहीं होती। और ऑब्वियसली पति पत्नी है तो, और इंटरव्यू की शुरुआत में हमने कहा ही ना, हार के बाद जीत है, तो ज़्यादा क्लोज आ ही रहे इस हार के बाद, जीत तो वही रहे। एंड लास्टली व्हाट डू यू से टू ऑल द व्यूअर्स? टू ऑल द व्यूअर्स वी जस्ट वांट टू से कि आर्यन और सांची एक साथ है, उनकी साझेदारी से सारी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करेंगे। अब तक आपने जैसे हमें प्यार दिया वैसे ही प्यार देते रहिए। वी लव यू, कीप लविंग अस एंड कीप वाचिंग एक रिश्ता साझेदारी एट 8:30 ओनली ऑन सोनी। नाउ फॉर क्रिसमस रियल, क्या हुआ आर्यन सांची अचानक से एकदम टेंशन वाला माहौल दिख रहा है? घर पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, हम दोनों की फैमिलीज को एक दूसरे से इतनी, मतलब इतने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गए हैं कि अब हमारे पास रोने के बजाय कुछ बचा नहीं है। अचानक से फ़ोन आ रहा है, वो तो कुछ नहीं, अब बस घर से फ़ोन आया, कुछ ऐसी न्यूज़ पता लगती है जिससे फॉर अ मोमेंट ऑफ सेकेंड सांची को समझ ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या, बस सभी आगे देखते कि क्या होता है। अच्छा आर्यन, आप साथी को संभाल रहे थे, क्या हो गया था? तो साझेदार है, पार्टनर है, कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई डगमगाएगा तो दूसरा संभालेगा ही, कभी आई थिंक आर्यन जब डगमगाएगा तो साची उसे संभालेगा, तो हमारी साझेदारी है। ओके, लास्टली क्या मतलब आगे सीन में ऐसा कुछ देखने मिल सकता है जहाँ फैमिली के क्लैशेस कम होते दिखेंगे? वी होप, और ऑडियंस भी ये होप करती है कि फैमिली के क्लैशेस थोड़े से कम हो जाएं, आई होप कि कम हो जाएं। एंड आफ्टर ऑल आर्यन और साची की साझेदारी इसीलिए है ना कि क्लैशेस कम हो जाएं, ऑफकोर्स मिलेंगे बट जल्दी मिलेंगे, साझेदारी मतलब प्रॉब्लम्स होगी भी तो वो ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए जर्नी वही है कि दोनों के क्लैशेस, दोनों फैमिलीज के क्लैशेस कैसे साझेदार दोनों मिलकर सब ठीक करते हैं। थैंक यू।